उमर गौतम पर चौंकाने वाले खुलासे। हजार से भी ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कराने वाले उमर गौतम के मामले में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कैसे वो स्कूली बच्चों, महिलाओं और गरीब हिंदू परिवार के लोगों को अपना शिकार बनाता था और उनका धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करने के लिए उन्हें उकसाने की कोशिश करता था। इसके लिए लालच दिया जाता था और उन्हें उनके ही धर्म के खिलाफ भड़काने की साजिश रची जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। अपने इस पाप का कबूलनामा वो खुद एक पुराने वीडियो में करता दिख रहा है। इस वीडियो में वो कहता दिख रहा है कि इस्लामिक दावा सेंटर में महीने में औसत 15 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण डॉक्यूमेंट किया जाता है। उसने इस्लामिक दावा सेंटर जामिया दिल्ली में करीब 1000 लोगों के धर्मांतरण संबंधी डॉक्यूमेंट जारी किए हैं। इस्लामिक दावा सेंटर में इंग्लैंड, सिंगापुर और पोलैंड तक में धर्मांतरण का काम होता है। गोरखपुर के यादव परिवार के लड़के और कानपुर के एक छात्रा का भी नाम उसने इस वीडियो में लिया है, जिनको बरगलाकर मुसलमान बनाया गया। धर्मांतरण के इस रैकेट के भंडाफोड़ होने के बाद ये बात भी सामने आई कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इस्लामिक दावा सेंटर ने धर्मांतरण करने वालों से एक एफिडेविट भी लिया है, जिसमें साफ लिखा है कि वे लोग बिना किसी लालच और दबाव के इस्लाम कबूल कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन कराने वाले उमर गौतम का गाजियाबाद से भी गहरा कनेक्शन सामने आया है। गाजियाबाद में कई मदरसे भी उसके चंदे से चल रहे हैं। यह जानकारी भी मिली है कि एक मदरसे को उमर गौतम ने गोद भी लिया हुआ है, जिसका सारा खर्च वही उठाता है। उमर गौतम पर नूरुल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल से पहले जुड़ी रही एक महिला टीचर ने भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि साल 2020 में 20 से 25 मौलानाओं के साथ मोहम्मद उमर गौतम स्कूल आया था। बच्चों पर स्कूल आए मौलानाओं ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाया था। मौलानाओं ने धर्म परिवर्तन करने पर गरीबी दूर करने का लालच भी दिया था। लगातार हिंदू बच्चों को उर्दू और अरबी पढ़ाए जाने पर भी जोर दिया जा रहा था। टीचर का कहना है कि इसका उन्होंने विरोध भी किया। इस वजह से टीचर को स्कूल प्रबंधन ने बाहर भी कर दिया था। धर्मांतरण का गुनहगार उमर गौतम कभी श्याम प्रताप सिंह हुआ करता था। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला के ग्राम पंथुआ का रहने वाला उमर कभी जाति से क्षत्रिय था। वर्ष 1980 में उसने जीबी पंत कृषि एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय में बीएससी एजी एंड एएच पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। इसी दौरान वर्ष 1984 में उमर गौतम ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद वह जामिया पढ़ने चला गया। इसके बाद से वो धर्मांतरण कराने की साजिश में जुट गया। उमर गौतम का जाकिर नाइक से भी कनेक्शन सामने आया है। जाकिर नाइक के फाउंडेशन से जुड़े फैज सैयद से उमर के करीबी संबंध हैं। खबर के मुताबिक जाकिर की संस्था बैन होने से पहले
इस्लामिक यूथ फाउंडेशन को फंडिंग करती थी। इस फाउंडेशन से जुड़े लोग भी उमर के संपर्क में थे। UPATS की जांच में पता चला है कि धर्म परिवर्तन का ये खेल पिछले 2 सालों से चल रहा था, खास तौर पर छात्रों और युवाओं को निशाना बनाया जा रहा था।